हे गाइस, दिस इज़ पल्लवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब दिसंबर आ चुके हैं और नोएडा में काफ़ी अच्छी सर्दी पड़ रही है। सर्दियों में ही मज़ा होता है खाने का, क्योंकि कई तरह की अच्छी अच्छी सब्जियां आती है और जो भी हम खाते हैं इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसी तरह की एक रेसिपी, वो है मटन स्ट्यू की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजीली बन जाती है पर खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मटन स्ट्यू के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम्स ऑफ मटन, कुछ कलियां लहसुन की, दो हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, हाफ टी स्पून जीरा, एक लाल मिर्च, तेज पत्ता, थोड़े से पेपरकॉर्न्स, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी मिर्च, दो प्याज ले लिया है मैंने, इसे मैंने स्लाइस कर लिया है, और थोड़ा सा सरसों का तेल, हम आवश्यकता अनुसार सरसों का तेल भी डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक मैंने कढ़ाई ले लिया है, हम सब कुछ पहले इस कढ़ाई में मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इस कढ़ाई को फ्लेम में चढ़ाएंगे। तो चलिए एक एक करके मैं सब कुछ ऐड करते जाती हूँ। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें मटन, अब हम डालेंगे इसमें अनियंस, ये मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, गार्लिक क्लोव्स, चिलीज, ये क्रश किया हुआ अदरक, अब मैं इसमें जो सारे जो साबुत मसाले हैं ये सारे मसाले मैं इनको ऐड कर देती हूँ। ग्रीन चिलीज को मैंने बीच से स्प्लिट कर लिया है ताकि उसका जो भी टेस्ट है, फ्लेवर है, जो भी वो भी आ जाए। लास्ट में मैं अपने सूखे मसाले डालूंगी। स्ट्यू में हम सारे मसालों को खड़े ही डालते हैं और बस नमक, हल्दी, थोड़ी सी मिर्च में डाल रही हूँ सिर्फ कलर के लिए, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अपने अंदाज से नमक, हल्दी, मिर्ची ले ली है और अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी सबको। देखिए अच्छी तरीके से सब कुछ मिक्स हो जाना चाहिए प्रॉपरली। अभी से बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है, जब मसाले मिक्स होने लगते हैं तो उनकी अच्छी सी खुशबू आने लगती है। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, अब मैं इसे फ्लेम पे चढ़ा देती हूँ। ये फ्लेम पे मैंने चढ़ा दिया है और अब ये कुक भी होना स्टार्ट हो गया है। इसे थोड़ी देर तक इसे हम ऐसे ही कुक कर लेते हैं, इसे हमें कुछ फ्राई वगैरह कुछ नहीं करना है, बस जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक थोड़ी देर हमें इसे कुक करना है और फिर हम इसे 3 से 4 विसल आने तक इसे हम पकाएंगे। इसमें मैंने हाफ कप जैसा पानी ऐड कर दिया है ताकि ये नीचे से लगना चाहे, और बॉईल भी आने लगा है तो अब मैं कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और इसे हमें 4-5 विसल तक हमें इसे पकाना है। चलिए हम लोग वेट करते हैं थोड़ी देर। चलिए अब हम कुकर खोलकर देखते हैं कि हमारा मटन कैसा तैयार हुआ है। वाह, लुक्स डिलीशियस एंड स्मेल्स डिवाइन। ये देखिए मटन स्ट्यू बिल्कुल रेडी है, इसकी ग्रेवी, ये देखिए कलर भी अच्छा आ गया है, सब कुछ जैसे पक गया है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा राइस लिया है और मैं इसमें डालूंगी और ये है हमारा आज का लंच। तो गाइज प्लीज इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें
और मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।